हे गाइस, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। हिंदुस्तान में क्रिकेट के बारे में कौन नहीं जानता और कौन उसे पसंद नहीं करता, चाहे वो गली क्रिकेट हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप हो। क्रिकेट कैसे इन्वेंट हुआ और किसने इन्वेंट किया, शायद ये एक क्रिकेट एक्सपर्ट जानते होंगे लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं जानते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ किस लिए हूँ, चलिए जानते हैं क्रिकेट के इन्वेंशन के बारे में। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। RenderForest.com अगर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो दुनिया में फुटबॉल के बाद दूसरे नंबर पर क्रिकेट आता है। ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट की शुरुआत रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद हुई थी और इंग्लैंड के किंग एडवर्ड टू अपने समय में इसे खेला करते थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। क्रिकेट की शुरुआत बाउल्स गेम को देख के हुई। इस बाउल्स गेम में सिर्फ बॉल को यूज करके खेला जाता था। शुरुआत में क्रिकेट खेलने के लिए एक लकड़ी को अपना बैट बनाया जाता था और धागे से बनाया गया बॉल को या छोटे छोटे कंकर को इस्तेमाल करके विकेट्स के इस्तेमाल करते थे। विकेट्स के लिए पेड या गेट का इस्तेमाल करते थे। क्रिकेट किसने शुरू किया और कौन से साल में शुरू हुआ, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए 16th century में हुई एक घटना के बारे में जानना पड़ेगा। 1597 में इंग्लैंड में एक जमीन के विवाद को लेकर एक केस दर्ज किया गया। उस जमीन के मालिक होने का दावा 59 साल के कॉर्नर और जॉन डेरिक ने किया था। उन्होंने कोर्ट में बताया कि वो 50 साल पहले 1550 में स्कूल के बाद उनकी इस जमीन में क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने क्रिकेट खेलने का दावा नहीं किया था। इसलिए इस केस के बाद सबसे पहले क्रिकेट खेलने का संदर्भ 1550 में बताया गया। 17th century के शुरुआत तक क्रिकेट सिर्फ छोटे बच्चे खेला करते थे और इसे टाइम पास गेम माना जाता था। अब ये गेम बच्चों से बड़ों बच्चों तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे छोटा सा किस्सा है। 1611 में दो जवान बच्चे संडे के दिन चर्च न जाकर क्रिकेट खेलने लगे। इस वजह से उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इससे पहले कोई जवान बच्चे क्रिकेट खेलने का कोई सबूत नहीं था। इसलिए इस केस के बाद सबसे पहले जवान बच्चे क्रिकेट खेलने का पहला संदर्भ माना जाता है और इसी साल डिक्शनरी में क्रिकेट वर्ड को जोड़ा गया था। बॉलिंग आज जैसे ऊपर से नहीं, नीचे से जमीन पर बॉल को फेंक कर डाला जाता था। उस जमाने में एक ओवर में सिर्फ 4 बॉल हुआ करते थे और अंपायर विकेट्स के करीब रहते थे और रन्स को एक छोटे से टीले पर निशान लगाकर दिखा देते थे। 1889 में एक ओवर में 4 बॉल से 5 बॉल कर दिए गए। कुछ देशों ने 1922 में एक ओवर में 8 बॉल्स कर दिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 से एक ओवर में 6 बॉल्स का नियम लाया गया। उस जमाने का हाईएस्ट स्कोर 40 रन था, क्योंकि बॉलिंग नीचे से जमीन पर बॉल को फेंक कर की जाती थी, इसलिए ज़्यादा रन नहीं बना पाते थे और सेफ्टी के लिए पैड्स भी नहीं थे, इसलिए काफ़ी इंजरी भी होती थी। 1770 में बॉल को पिच करके डालना शुरू किया, जिसकी वजह से बैट्समैन को शॉट लगाने के लिए आसानी हुई और बॉलर्स को भी बॉलिंग में स्पिन जैसे नए तरीके लाने का मौका मिला। अगर बॉलिंग स्टाइल की बात करें तो बॉलर्स पहले अंडर आर्म बॉलिंग करते थे, इसके बाद राउंड आर्म बॉलिंग करने लगे। 1880 में ओवर आर्म बॉलिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। 19th century में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हुआ होने लगा और धीरे धीरे बहुत सारे नियमों में बदलाव लाए गए। बैट के अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाए गए। 1774 में लेग बिफोर लो और थर्ड अंपायर लो का नियम लाया गया। बॉल का साइज, पैड्स और ग्लव्स जैसे चीजें बेहतर से बेहतर बनने लगी। 1870 में पहली बार बाउंड्रीज का शुरुआत हुआ। बाउंड्रीज का नियम आने से पहले बैट्समैन हर बॉल को हिट करने के बाद रन दौड़ना पड़ता था। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब 1760 में था और बाद में मार्ली लेबन क्रिकेट क्लब MCC बन गया, जो क्रिकेट के नियम और डिलीवरेंस को बनाता था। बहुत सारे कामों को
और भी अंजाम देता था। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी एमसीसी से बहुत सारे फंक्शंस संभालता है। इंग्लैंड के बाद क्रिकेट नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। 18 सेंचुरी तक क्रिकेट इंग्लैंड के बाद धीरे धीरे बहुत सारे देशों में पहुंच गया और इंडिया में क्रिकेट का परिचय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इसी तरह बहुत सारे बदलावों के बाद क्रिकेट आज जैसा बना। क्रिकेट के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊं तो आज तक का क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तब हुआ जब साउथ अफ्रीका को 11 तारीख को 11वां महीना में 2011 को 11:11 पर 111 रन की जरूरत थी और उनका एक ही विकेट गिरा था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली बार 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 45 रन से हराया था। ठीक 100 साल बाद 1977 में उसी दिन उसी ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर से 45 रन से हराया। क्रिकेट के हिस्ट्री में जब पहली बार थर्ड अंपायर का रूल लाया गया तब थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए गए पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। इंग्लैंड के बैट्समैन एलेक स्टीवर्ट का जन्म 8/4/1963 को हुआ था और उन्होंने अपने टेस्ट मैच करियर में 8,463 ही रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। उनका T20 बेस्ट स्कोर 119 है, ODI में बेस्ट स्कोर 219 है और टेस्ट में बेस्ट स्कोर 319 है। 12 जनवरी 1964 में भारतीय स्पिनर बापू नाडकर्णी ने इंग्लैंड के खिलाफ 21 ओवर कंसिस्टेंटली मेडन डाले थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने रणजी करियर में केवल एक ही बार 0 रन पे आउट हुए और उनको आउट करने वाले प्लेयर थे भुवनेश्वर कुमार। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन के वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें और नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट।